एपिसोड नंबर 366, 366। श्री राम के राज्यकाल में अयोध्या की सुख संपदा तथा प्राकृतिक छटा को मात्र अनुपम की संज्ञा दे देना पर्याप्त नहीं है। पक्षीराज गरुड़ को राम नाम की महिमा सुनाते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जब से अवधपुरी में राजा रामचंद्र के प्रताप का सूर्य उदित हुआ है, तीनों लोकों से अज्ञान के अंधकार का नाश हो गया है। मद, मान, मोह और ईर्ष्या का लोप और सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक का उदय, ये है राम राज्य की विशेषता, जिसका आकर्षण सनकादि मुनि तक को खींचकर अयोध्या ले आता है। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहनि बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि आराम रम्य पिकादि खग रव जन पथिक हंकारहि। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनि की जाय अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। रघुपति गुण गावही बैठी परस पर इहई सिखावही भजहु प्रणत प्रतिपालक रामही सुवासील रूप गुण धामही। जलज विलोचन श्यामल गातहि पलक नयन इव सेवक त्रातहि धित सर रुचिर चाप दूनीरहि संत कंज बन रबिरन धीरहि काल कराल प्याल खग राजहि नमत राम अपाम मम मनसि जकरि हरि जन सुखदातहि। संशय शोक निपीड़त मभानुहि तनु जगहन घन सहन कृसानुहि जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन भजहु भंजन भव भीरहि।
प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश पछिले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावही नास। परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर पवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लवन गुणशील सुहाय ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहु कालीना रूप धरे जन चारियु वेदा समदर्शी मुनि विगत विभे चरित होई तह सुनाई तहां रहे सनकादि भवानी जहां घट संभव मुनि वर ज्ञानी राम कथा मुनि वर बहु बरनी ज्ञान जोनी पावक जिनी अरे